राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे हैं। ऑपरेशन जिले के कोकरनाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें दो जवान घायल हो गए। इलाके में दो से तीन आतंकी के छिपे होने की आशंका है। अभी मुठभेड़ जारी है। इससे एक दिन पहले 9 अगस्त को पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। इन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार बानी और सोजदर के ढोक में देखा गया था। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल है। कुपावड़ा के केरन इलाके में 17 जुलाई को सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद उसी दिन डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चला। इसमें आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।